पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। पार्टी द्वारा राजगीर में आयोजित सत्र उन्हीं को समर्पित रहा। जॉर्ज का जीवन प्रेरणाप्रद और साहसिक रहा। वे समाजवादी प्रखर नेता थे। ताजिंदगी वे गरीबों के हक की आवाज बुलंद किए। वे गरीबों का मसीहा थे। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें जीवंत हैं, जो हम सबको ताकत देती है आगे बढ़ने की। जॉर्ज के जीवन की कहानी इस प्रकार है, जो हम सबको ताकत देती है आगे बढ़ने की। जॉर्ज के जीवन की कहानी इस प्रकार है। देखिए, जॉर्ज एक व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और समाजवाद लोकतंत्र के एक संस्था के रूप में अपने को विकसित किया। इसलिए उस संस्था के सकारात्मक पहलुओं को जीने का प्रयास राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर के सभी साथी करें। इसलिए आज का जो विषय है, जॉर्ज फर्नांडिस, समाजवाद और लोकतंत्र, उनके जीवन वृत्तियों पर चर्चा करना, संघर्षों पर चर्चा करना, कैसे घर से विद्रोह करके उनके पिता उन्हें पादरी बनाना चाहते थे और समाजवाद के लोकतंत्र के एक सच्चे संवाहक, अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाला एक अजय योद्धा जब अंतिम सांस लेता है, तब भी उसके विचार लोगों को उतना ही ऊर्जान्वित करता है। तो निश्चित तौर से यह एक बिना साधन का शब्द है और ध्येय की पूर्ति करने वाला व्यक्ति, जो आज लोग कहते हैं कि बिना पूंजी की राजनीति हो नहीं सकती, तो सार्थकता इस बात की है कि जॉर्ज फर्नांडिस का जीवन संघर्ष बिना पूंजी का और बड़ा संघर्ष। तो बिना पूंजी का संघर्ष जो होता है वह श्रमिकों के लिए होता है। श्रम वे वजहते सिर्फ नारा ना रहे, यह एक विचार क्रांति, मनसा कर्मणा वाचा हो तो निश्चित तौर से समाज को, राष्ट्र को और विश्व मानवता को एक दिशा देता रहेगा। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए है, विश्व मानवता की रक्षा के लिए है। आज दुनिया करा रही है मूल्यों के क्षरण के कारण। दुनिया में यह संकट पैदा हुआ है, सिर्फ बिहार में संकट नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस बर्मा की लड़ाई लड़े, यांग सांग सूची की लड़ाई लड़े, तिब्बत की लड़ाई लड़ते रहे, तो दुनिया में मानवता के सवाल को, दुनिया में स्वतंत्रता के सवाल को, दुनिया में अंतिम व्यक्ति की लड़ाई को, न्याय के लिए संघर्ष उनका जारी रहा है। और इसलिए राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के लिए नहीं, बल्कि विचारों के संवाहक के रूप में ये पार्टी रहे, जॉर्ज के मूल्यों को आगे बढ़ाए, ऐसा करने के लिए यह जमात खड़ी। नीतीश कुमार संघर्ष से नहीं आए थे। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के संघर्षों के उपज थे। आदमी को कभी कभी गलती हो जाती है। जब जॉर्ज को दफनाने की उन्होंने कोशिश की तो लोक लाज के लिए उससे बचने की भी कोशिश बहुत की, कि लोग जानता है कि जॉर्ज फर्नांडिस नहीं होते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। तो जीवन का संपूर्ण उन्होंने अपना संघर्ष का उड़ेल करके एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार मानवीय कमजोरियों की वजह से ऐसे चाटुकारों से घिर गए कि जॉर्ज के संघर्षों को भूल गए और अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया। संघर्ष का यह केंद्र नहीं रहा, यह उन विचारों का पूंजीगत इंस्टीट्यूशन नहीं बन सका जो नीतीश कुमार से जॉर्ज फर्नांडिस उम्मीद करके
अपने जीवन के अंतिम क्षण में लगाया। 17 रुपया प्रतिदिन किसान को देख करके कितना लुभावना किसान। देखिए एक बात जरूर है जिससे मैं खुश हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी घबरा गए हैं कि किसान अब सजग हो रहा है, जातिया धर्म से ऊपर उठ करके वो कहीं विद्रोह कर देगा तो हमारी जितनी बजट इन बड़े मठाधीशों के लिए है, इन बड़े पूंजीपतियों के लिए है, उसमें से कटौती करके गांव को खेत को मजबूत करने की ज़रूरत है। यह चिंतन में जरूर आ गया है। यह हम बजट का खासियत देख रहे हैं किसान पर। अंतिम वर्ष में, अंतिम 6 महीना में 4 महीना में कम से कम चिंता तो हुई, 4 साल तक चिंता नहीं हुई। मैं NDA का हिस्सा था और मैंने बजट पर सेकंड बजट में मैंने कहा कि आप बाजार से लड़ने के लिए किसान को ऋण माफी नहीं चाहिए, बाजार से के गिरफ्त से इसको निकालिए, बाजार के गिरफ्त से निकालेंगे गांव खेत कल्याण मजबूत हो जाएगा। जो आलू 40 रुपये किलो बिकना चाहिए वो 40 पैसे किलो हो जाता है जब अधिक प्रोडक्शन होता है, बाजार का खेल है। हम अधिक प्रोडक्शन करने के लिए कहते हैं तो किसान मारा जाता है, इसलिए हमारी व्यवस्था क्या है, बाजार। और बाजार से लड़ने के लिए जो पैक्स बना, जो और चीज़ें बनी, ये सब बाजार का गुलाम हो जाता है, किसानों को मारता है। इसलिए हमने कहा था कि आप 8,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान को प्रोत्साहन भत्ता दीजिए, जिसको इन्होंने प्रति फसल हमने कहा था, और इसको थोड़ी ईमानदारी से तेलंगाना सरकार ने लागू किया, थोड़ी ईमानदारी से, जिसके चलते वहाँ किसान वाइब्रेंट हो गए हैं, आज लड़ने के मूड में है बाजार से। इसलिए ये जो 6,000 का लॉलीपॉप 2,000 किया गया है, 17 रुपया पर डे चाय का कीमत, तो इससे किसान निकल नहीं पाएगा और ऋण माफी से भी नहीं निकल पाएगा। निकलने का एक ही तरीका है कि आप अभी बाजार से लड़ने के लिए उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन भत्ता दीजिए, प्रति फसल, यदि 3 फसल करता है तो 18,000। या बेसिक डिमांड, कनिष्का सामान का मूल्यांकन, सब लोग ढोल पीट रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला लागू कीजिए, C2 फॉर्मूला लागू कीजिएगा, 4,000 रुपये क्विंटल धान हो जाएगा, काहे के लिए कोई ऋण लेगा। बजट में शिक्षा को आप कहाँ देख रहे हैं? बजट में शिक्षा है कहाँ? शिक्षा का तो सर्वनाश हो गया, रिलायंस का यूनिवर्सिटी खुला नहीं है, उसको एक्सेलेंस अवार्ड मिल गया, ये तो शिक्षा को बेच दिया गया बड़े घरानों के हाथ, शिक्षा का कहाँ? गांव में, खेत में, कल्याण में, अब शिक्षक से पूछा जा रहा है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी शिक्षक बता रहे हैं, विद्यार्थी बताता तो बात होती, शिक्षा का मानक तो इनका पता है। हम मानते हैं कि सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल इग्नोरेंट रखना चाहती है, गांव के लोगों को मूड बना के रखना चाहती है। लव्य ने का अंगूठा द्रोणाचार्य गुरु ने लिया था राजसत्ता का पक्ष लेने का, और यहाँ नीतीश कुमार ऐसे गुरु निकले कि कितना को अंगूठा छाप बना दिए, संपूर्ण अंगूठा ले लिए, मस्तिष्क भी ले लिए। एक लव्य तो उससे साहस नहीं था अंगूठा लेने के बाद भी टकराने के, इन्होंने तो अंगूठा छाप बना दिया। ये इसलिए किया गया है साजिश के तहत कि आज जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, वैचारिक रूप से कुंठित लोग कहीं जाएंगे, इंजीनियर 8,000 में, 6,000 में, उनके पिता ने लगाया 15,000 रुपया महीना, नौकरी मिल रही है 8,000 की, पढ़ाने में 15,000, नौकरी में 8,000। ये कुत्सित पूंजी स्ट्रक्चर जो है उसका रिजल्ट है शोषण करने का। इसलिए शिक्षा के जो आम लोगों के लिए है, जो सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले हैं, सामाजिक न्याय के संपूर्ण संरचना को ध्वस्त किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, और यह मिडिल क्लास और सर्वहारा क्लास के लिए फ्री होना चाहिए। यह आयुष्मान भारत क्या है? लूट है।
जैसे स्वास्थ्य के स्कीम में पुरुषों का बच्चेदानी निकाल करके नीतीश कुमार की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया घटक गया, तो वैसे ही आयुष्मान भारत में आज प्राइवेट हॉस्पिटल सब नकली बिल बनाने के लिए कूद रहे हैं, निकालेंगे खा जाएंगे। भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आपको क्वालिटी स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाना चाहिए, अधिक पढ़े लिखे डॉक्टर्स बनाना चाहिए। आज पीएमसीएच में प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर जो निकलेंगे कैसा रिजल्ट देंगे। इसलिए इन लोग जो आईवास कर रहे हैं, ये जो धोखा कर रहे हैं, ये पीढ़ियों को मारेंगे, इसलिए इससे लड़ना पड़ेगा। जॉर्ज साहब के बारे में और जॉर्ज के समाजवाद को, जॉर्ज के सानिध्य को, हम लोग को सानिध्य जॉर्ज फर्नांडिस समाजवाद के प्रखर पुरोधा, समाजवाद लोकतंत्र के लिए लड़ते रहे, हमारे बीच नहीं रहे। उनके विचार, उनका जीवन, संघर्ष हमारे लिए अमृत तो लेकर के खड़ा है। कमलेश कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष यूपी, श्री शमशेर सिंह दहिया राष्ट्रीय, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री अरुण कुशवाहा जी, मोहम्मद अमरुद्दीन भट्ट, श्री जयप्रकाश चौधरी जी, श्रीमती मोहम्मद यामुल तुल्ला फरीद साहब से आग्रह है कि कम मंच पर आए। जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे नेता रहे हैं, कि जॉर्ज नहीं रहे तो जॉर्ज के विचारों को गांव तक, खेत तक, खलिहान तक पहुंचाने का दायित्व हमारे ऊपर उत्तर हो गया है। और इसीलिए इस प्रशिक्षण शिविर का जो मूलाधार है आज प्रथम सत्र में है, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवाद और लोकतंत्र। और राजनीति का मतलब ही जॉर्ज फर्नांडिस लोकतंत्र और समाजवाद के प्रयासरत। उनका जीवन संघर्ष, उनका जीवन इतिहास, जीवन वृत्त उन मूल्यों के इर्द गिर्द घूमता है जिससे लोकतंत्र और समाजवाद शाश्वत रूप में देखा जाए। ये बात ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस बनना कठिन है, और किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को हम धरातल पर उतारें। तो एक व्यक्ति जो एक धर्म में जन्म लेता है, इस पर गौर करेंगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन समाज में जन्म लेता है और पिता की इच्छा होती है पादरी बनाने की, चर्च में पादरी के काम का दायित्व उनको देना चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति अपने विचारों से, कर्मों से, घर से भाग करके, विद्रोह करके और तत्कालीन बॉम्बे में पहुंचते हैं, वहां की सड़कों पर संघर्ष करते हैं गरीबों के लिए, खोमचा वाले, रिक्शा वाले, तांगा वाले, सफाई करने मजदूरों के लिए उनके अंदर तड़प होती है, शोषण के चक्र में जो ये बंधे हो, जिसको अपना घर नहीं है, जिसकी अपनी साया नहीं है, न परिवार की साया है और न समाज की साया, वह कितना बड़ा विद्रोही कि बॉम्बे के स्टेशन पर सो करके और उसी कुली जमात से, मजदूर जमात से कोई
जो ठेकेदार टाइप का मजदूर होता है उन्हें उस स्थान से रात में जो पेपर बिछा के सोता है व्यक्ति दिन भर मजदूरों के लिए संघर्ष करता है और उसी में से कोई प्रतिद्वंदी उन्हें ठोकर मार करके उठा देता है, यह जगह तुम्हारा नहीं है, यह जगह हमारा, और जगह बदल लेते हैं। रात भर में यह क्रम 5-7 जगह बदलने का होता है। आप समझ सकते हैं किस मिट्टी का बना हुआ यह व्यक्ति। और कुछ वर्षों में बॉम्बे का बेथा बादशाह गरीबों का रहनुमा, जिससे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग घबराने लगे और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जिसकी न जाति आबादी थी न कोई भावनात्मक मुद्दा था जिस पर शोषण करे, वह व्यक्ति गरीबों के दिल का विश्वास जीता और बॉम्बे का गरीबों का रहनुमा बेताज साहब बादशाह हो गया। 1,00,000 टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी मालिक बना दिया, बैंक करा दिया, पेट्रोल पंप करा दिया, ये सब यूनियन का हो गया, लेकिन अपने लिए एक कमरे का मकान ले लिया। और इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में यह किंवदंती हो गई कि जॉर्ज यदि बॉम्बे के किसी सड़क पर खड़ा हो गया तो बॉम्बे बंद हो गया। और उसका परिणाम भी निकला कि उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता एसके पाटिल को बॉम्बे से हरा के संसद में प्रवेश किया और उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, नाउ देयर इज नो अपोजिशन। लेकिन इंदिरा गांधी जी, श्रीमती गांधी समझती थी इस मिट्टी को। श्रीमती गांधी ने कहा, इफ जॉर्ज इज इन द पार्लियामेंट अपोजिशन इज देयर। जॉर्ज अपने आप में प्रतिपक्ष है, जॉर्ज यदि पार्लियामेंट के अंदर है तो प्रतिपक्ष शून्य मत मान करके चले। आज उस महानायक को हम अपना आदर्श बना करके चले हैं। तो प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ लड़ना, संसद में हो या सड़क पर हो, प्रतिपक्ष। जहां कहीं भी अन्याय हो वहां लड़ना हमारा धर्म है और समाजवाद की बुनियाद यहीं खड़ी होती है। इसलिए लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर, कयूम अंसारी, अब्दुल कलाम, तमाम ऐसे लोगों के विचारों का एक सार तत्व कहीं देखने को मिलता है तो जॉर्ज फर्नांडिस के अंदर मिलता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष अंतिम व्यक्ति की लड़ाई करता है। और बिहार को उनका कर्मभूमि था, इतिहाद जेल में बंद थे और उनकी तस्वीर हथकड़ियों बेड़ियों से लगा हुआ तस्वीर हम लोग लेकर के मुजफ्फरपुर में घूमते थे और उस मुजफ्फरपुर में लोगों ने भारी बहुमत से उन्हें जिता करके जेल में वो थे, लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, अनजान लोग लड़ रहे थे। अजय अलमस्त जी भी थे, चूंकि मंजय लाल जी समाजवादी नेता थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के दाहिने हाथ थे, बाकी लोग आए गए छात्र नौजवान चुनाव लड़ रहे, सर्टिफिकेट उनकी अनुपस्थिति में लिया गया और सर्टिफिकेट राजकुमार जैन, जो एक प्रखर समाजवादी प्रोफेसर राजकुमार जैन थे, उनको सर्टिफिकेट अजय अलमस्त ने जाकर सौंपा और साथियों ने सौंपा और फिर वो जेल से बाहर आया और मंत्री बने। यदि वो सरकार नहीं बनती तो शायद फांसी की सजा ही होगी, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी और लोकतंत्र पुनः जिंदा हो, लोकतंत्र पुनः जिंदा हो गया
तो समाजवाद और लोकतंत्र जॉर्ज फर्नांडिस के विपरीत घूमता रहा। आज पूंजीवाद, कल भी पूंजीवादी था, आज भी पूंजीवादी है, लेकिन आज विचार पूंजी का गुलाम हो गया। परिवर्तन हुआ, जयप्रकाश आंदोलन हुआ, 77 का आंदोलन हुआ, बीपी सिंह का आंदोलन हुआ, परिवर्तन का क्रमिक क्रम बना हुआ है, लेकिन हैव और हैव नॉट के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और 74 में सबसे बड़ा आंदोलन जॉर्ज फर्नांडिस ने खड़ा किया था, जिसमें 25,000 से ज्यादा रेल कर्मी मुअत्तल किए गए। ऐसा दुनिया में कहीं आंदोलन खड़ा नहीं, दुनिया का ऐसा कोई आंदोलन नहीं, दुनिया में यह आंदोलन खड़ा नहीं है। एक पूरा जीवन संघर्ष, और 77 के बाद मैं दूर से उन्हें देखता रहा। राजनीति में मैं लेफ्ट के ज्यादा करीब था। समता पार्टी के निर्माण से मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पूर्ण रूप से, ऐसे ही ट्रेन में जा रहे थे, मैं आते थे जाते थे, तो मैं भी आता जाता था, बिहार में कहीं आते थे जाता था, लेकिन उनके साथ पार्टी में नहीं, उनसे प्रभावित। बहुत लोग ऐसे आज भी हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस को देखा नहीं है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस से प्रभावित। 3 तारीख को हम लोग बीपी हाउस में दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे, तो कई ऐसे प्रोफेसर आए, कई ऐसे वक्ता वहां मंच पर आए, उन्होंने कहा मैंने जॉर्ज को देखा नहीं, जॉर्ज की तस्वीर देखी है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन जॉर्ज से प्रभावित हूं, इसलिए मैं आया, जॉर्ज से प्रभावित हूं इसलिए मैं आया, उनके संघर्षों से प्रभावित हूं इसलिए मैं आया। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं, और मैंने देखा है अक्रॉस द पार्टी लाइन जॉर्ज के मानने वाले लोग, पार्टी से प्रतिबद्धता जरूर रही हो, लेकिन विचार से प्रतिबद्ध थे जॉर्ज फर्नांडिस से। यह महानायक सौभाग्य हमने काट, महानायक हमारा पथ प्रदर्शक। अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ना सीखें, उसके कष्टों में, अंतिम व्यक्ति के अलावे भी जो आदमी कष्ट में है, जो अन्याय झेल रहा हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, यदि उसके साथ अन्याय हो रहा हो, तो उसके सामने खड़ा होना, उसके विचारों, अपने विचारों से उसकी रक्षा करना, यह हमारी राजनीति का हिस्सा है। अंतिम व्यक्ति तो हमारा ध्येय है, लेकिन अन्याय किसी के साथ हो तो उससे लड़ना मेरा कर्तव्य बना। आज ऐसी परिस्थिति इस राज्य में बनी है, इस देश में बना है, कि भ्रष्टाचार है, घोटाला भी है, कि सृजन का घोटाला, विध्वंस का घोटाला नहीं, सृजन का घोटाला। तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, समाजवाद खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सृजन में भी विध्वंस बन रहा है। सृजन घोटाला बिहार में हुआ, और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने इस घोटाला करा, अपने मातहत में गरीब लोगों के टैक्स के पैसे को बांट दिया। लेकिन हमने देखा है कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो समता पार्टी बनी, उसने ऐसे कार्यकर्ता साथियों को खड़ा किया पूरे बिहार में, कि उनके दिल में एक आग पैदा हो गया, और किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए कर्म और वचन से तैयार। कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, रोटी चाहिए, लेकिन पवित्र रोटी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को शिक्षा चाहिए, कोई नहीं चाहता हमारा बेटा अपराधी हो, अपराधी भी नहीं चाहता हमारा बेटा अपराधी हो, ज्ञानी हो,
इसके लिए सत्ता का हथियार चाहिए और पवित्र हथियार चाहिए ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा का मुकम्मल इंतजाम हो सके। इसलिए हमारा धर्म बनता है हम संघर्ष करें या फिर संघर्ष के बाद सत्ता में आए, सत्ता के भागीदार हो, तो निश्चित तौर से हर गरीब को मुफ्त शिक्षा और उत्तम शिक्षा। नीतीश जी जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी पूछ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। शिक्षक के प्रति असम्मान का भाव प्रस्तुति एक साजिश है शिक्षकों को अपमानित करने। जो शिक्षक ही वह बुनियाद पैदा करता है जिससे महात्मा फुले पैदा होते हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर पैदा होते हैं, गरीब से गरीब घरों में भी एक क्रांतिकारी अंबेडकर पैदा हो जाता है। ये जो बुनियादी हमला हुआ है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, आप इतना मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, वहां कोई जाए, आयुष्मान रहे या ना रहे, स्वास्थ्य का गारंटी वो अस्पताल ले, सरकारी विद्यालय में जाए तो किसी भी पब्लिक स्कूल से बेहतर शिक्षा वहां हो, इसकी गारंटी हो। ऊंचाई देने का काम किया है जॉर्ज फर्नांडिस ने, इसलिए यह सत्र जॉर्ज को समर्पित है। उसको कहो पार्लियामेंट लड़ने मस्जिद ठीक है, अपने ताकत से लड़ते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। मन मिजाज हमारा शत्रु, हम आपके साथ जो साहब हैं चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो कहते थे संसद में रहने की जरूरत है। ये अभी संसद में इतना विश्वास, 96 में मैं उनका चुनाव नालंदा में लड़ रहा था, रहते थे मेरे घर में, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे। एक बार दो बार तीन बार ऐसा हुआ, नीतीश जी हमारी गाड़ी से उनका बैग निकाल करके अपनी गाड़ी पर रख दिया, तो हम प्रतिकार नहीं कर सकते थे, नीतीश जी बड़े नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस खुद अपने बैग निकाल करके हमारी गाड़ी में रहे, नहीं मैं आलू के घर में। आज मैं रोमांचित हो जाता था, उन दिनों बड़ा महत्व मैं नहीं देता था, लेकिन आज मैं रोमांचित हो, कितना बड़ा विश्वास था मेरे ऊपर। अठारह घंटा काम करते थे नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 18 घंटा काम करते थे नीतीश कुमार भी। उतना वो थोड़ा रईस टाइप थे, समय से सो जाते थे, लोगों से हाथ मिलाने के बाद हाथ गंदा हो जाता था, तो 3 बार साबुन से साफ करते थे। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस किसी से मिलते थे, गरीब से गरीब, गंदा से गंदा आदमी, और बड़ी भीड़ नहीं 10 आदमी में भी बोलते थे। इसी नालंदा में हिंसा में एक बार 12 बजे रात में उनको 6 बजे वहां पहुंचना था, 12 बजे रात में पहुंचे, तो टेंट वाले थे, कुर्सी वाले थे, कुछ हम लोग थे और 2-4 लोग हम ही लोगों के समर्थक थे। हमने कहा सब आदमी चला गया तो नहीं, 13-14 लोग हैं, 13-14 लोग तो अपने ही हैं। अरे भाई अपने हैं तो इसमें दो तुम लोगों के चलते आए हैं, हम यहाँ 4-5 लोग आए हैं, तो 7 घंटा। रास्ते में हमने पूछा जॉर्ज साहब ये कोई आदमी नहीं था तब भी आप 1.25 घंटा बोले, इतना अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से लेकर के देश गांव खेत कल्याण सब पढ़ा गए, क्या कारण था? कहा कि कुछ अंश तुम्हारे अंदर ही जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, हमारे साथियों के अंदर ही जाए, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। अरुण मौत से तुम चीन की आबादी भारत के बराबर थी, कुछ अधिक थी उन दिनों, और मौत से तुमको 11 आदमी ही मिला। और चीन में क्रांति आई, भीड़ से कुछ नहीं होता,
आदमी जुनूनी चाहिए, परिवर्तन वाला चाहिए, गरीबों के लिए लड़ने वाला चाहिए, और वो मिल गया। मैंने कहा कि बिहार में कोई मिला है कि नहीं? हाँ, नीतीश मिला है। धीरे से कहते थे, नीतीश मिला है, तुम विरोध करते रहते हो, ठीक से रहो, ठीक से रहेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे। लेकिन उनके रहते रहे उनको समझ में आ गया कि गलत सिलेक्शन, समाजवाद और लोकतंत्र एक धुरी पर आए, इसका प्रयास इन तमाम फौजियों के बूते पर ही संभव है। यह फौज खड़ी हो गई तो परिवर्तन का शंखनाद संभव है। और हम समझते हैं कि आपने मन बनाया है, तभी ये बात हो गई। ऐसे कुछ लोग के मन में द्वंद रहता है, फला जात का आदमी रहता तो क्रांति हो जाती, और क्या सभी धर्म के लोग हैं, हम साझी संस्कृति के सहारे अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने बुनियाद में रखा। और हम आचरण करेंगे तो समाजवाद भी जिंदा होगा और लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। हम राजनारायण के मानने वाले लोग, जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राजनारायण जब तक जिंदा है इस देश में लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं होगा। जॉर्ज फर्नांडिस भी राजनारायण को अपना नेता था। ऐसा अनूठा हुआ है, और उसके लिए समाज से भी लड़ना, समाज में जंग लगा। समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, विचार पे चलते हैं, मन डोलना, आम मन डोलता ही रहता है, कुछ ही मन स्थिर रहता है, ये प्रकृति का नहीं है, तभी डोलते रहते। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस डोले नहीं, ना प्लेटफॉर्म पर डोले, ना संसद में डोले, नतीजा हो गया कि उनके विचारों से लाखों लोग आज डोल जाते, हिल जाते। तो हमें दृढ़ संकल्प, दृढ़ रहिए कि परिणाम आएगा। तो विश्वास पैदा करना पड़ता है, और विश्वास एक बड़ी चीज है, और नेतृत्व पर भी भरोसा करना पड़ता है। कुछ लोगों का काम ही रहता है नेतृत्व से दूरी पैदा करना। हम जब चुनाव लड़ रहे थे, एमएलसी का निर्दलीय ऐसे ही लड़ गए थे, तो जिनको मैं हराया था वो काउंटिंग में आया और हमको माला पहना दिए। कैमूर जिला का पहले काउंटिंग हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ तो एक को गांव भूमिहार का नहीं है, यहीं से जीत गए थे, जीत गए लोग माला पहना। हमने कहा सर क्या बात, कहे जहानाबाद से हारोगे क्या? अरे जब कैमूरे से जीत गए थे जहानाबाद से हारोगे? तो हुआ उल्टा, जहानाबाद से हार गए, कैमूर से जीत गए, जहाँ कोई जात का नहीं था। जात से राजनीति नहीं होती, कुछ लोग गलतफहमी के शिकार रहते हैं। जात से कभी राजनीति नहीं होती है, रटते रहिए। जात तब आपको पहचानता है जब आपकी क्षमता होती है, हिस्सेदारी की भी जाता है। चूंकि जॉर्ज एक प्रेरक तत्व है, साक्षात प्रेरक तत्व है समाजवाद के और लोकतंत्र के, कारण है इस राज्य का ही नहीं, गांव खेत खलिहान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा शासन वही चलाएगा, भारत वर्ष उसी का है, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सुख कानून बनाएगा, भारत वर्ष उसी का है शासन वही चलाएगा। लेकिन ये जमीन पर नहीं आता, नजदीक आते आते जब समस्या घनीभूत हो गया है तो आज देश के हर हिस्से और सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है कि किसान जात और धर्म से ऊपर उठ करके अपने पुरखों के इस धरोहर को बचाने के लिए तैयार है।
खेत खलिहान बचाएगा, गांव की आत्मा वही है, और जितना खेत खलिहान मजबूत होगा गांव मजबूत होगा। कुछ लोगों ने जीने लायक रहने के लिए कोशिश किया है, अभी भी अमीरों के चंगुल से बजट नहीं निकला, अभी भी समर्पित है 6% लोगों के हाथ में 90% देश का धन है, और 10% धन 94% लोगों के लिए छोड़ दिया गया। इतना बड़ा गैप है जहां समाजवाद और लोकतंत्र जिंदा। कैसा समाजवाद, कैसा लोकतंत्र, यह विश्लेषण करने की जरूरत है। इतना बड़ा फासला है, 90% संपत्ति 6% लोगों के लिए और 94% लोगों के लिए 10% देश का हिस्सा, और यह तय है कि इस देश की गरीबी मिट सकती है गांव से, बेरोजगारी मिट सकती है गांव से। इसे स्मार्ट सिटी मत बनाओ, गांव रहने दो, सांस्कृतिक विरासत जिंदा रहने दो, और इकोनॉमी को भावित करा। हरित क्रांति किसानों ने लाया सरकार के सहयोग, लेकिन इस खेती में प्रवेश कर रहे हैं बड़े पूंजीपति पेस्टिसाइड्स के माध्यम से, खाद के माध्यम से। सूद माफ कर देंगे, बैंक का लोन माफ कर देंगे। कितने प्रतिशत लोग लोन लेते हैं साहूकार, लैंड लेंडर्स, मनी लेंडर्स के हाथ से, जो एक नेक्सस है उसमें आप हत्या करें। अब तो किसान इलाज के लिए, खेती के लिए नहीं, इलाज के लिए जो कर्ज लेते हैं, अपने संपत्ति रख करके, गिरवी रख करके, इसमें आत्महत्या कर। गांव को बचने दो, शहर गांव पर जिंदा है, गांव मरेगा शहर भी मरेगा, देश कमजोर होगा, गांव को जिंदा है। बुनियाद जड़ वहां है लोकतंत्र की, समाजवाद की, इसलिए इस बुनियादी फर्क के लिए जीवन भर अंतिम सांस तक जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी आहुति दी और कभी भी समझौता नहीं। लोग भाजपा से मिलकर के चुनाव लड़ने पर कई जो सुपर सेकुलर लोग थे उन्होंने कहा जॉर्ज ने जीवन में गलती की, जॉर्ज लोकतंत्र के हत्यारे नहीं थे। कई ऐसे साथी जिनको एतराज था कि अब भाजपा से हाथ नहीं मिला, उन्होंने आपत्ति व्यक्त की, आपने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने कहा मैं जानता था आप मेरे साथ नहीं जाते, लेकिन आपके विचारों को मैं अपने विचारों से थोपना नहीं चाहता हूं, आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम इस देश में लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता को मरने नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को अछूत पार्टी थी अन्य विचारों के लोगों के लिए एक धारा में ला करके, इट इज जॉर्ज फर्नांडिस हु मेड इट क्लियर। राइट लेफ्ट सेंटरिस्ट सारे लोगों को एक किया, लोकतंत्र अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा। चलो आओ, लोकतंत्र और समाजवाद और धर्म निरपेक्षता अक्षुण्ण रहेगा, 370 पर कोई आंच आने नहीं देंगे। हमारी जो प्रतिबद्धता है मूल्यों के प्रति, संविधान के प्रति, उसको हम खंडित नहीं होने देंगे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका पालन किया अंतिम क्षण तक। आज वही एनडीए है, कोई झांकता भी नहीं, झांकता भी है तो भागता है। यह परिस्थितियां बनी है, तो यह एक व्यक्तित्व, निराला व्यक्तित्व जो इस देश के हिसाब से गढ़ा, और यह व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्राप्त था, जिसने उनको छुआ
उसी के हिसाब से देखा, उसी आईने से देखा। कम्युनिस्टों ने कहा हमारे थे, कांग्रेसियों ने कहा हमारे थे, अयोध्या के धर्म संसद ने कहा हमारे थे, और सबने एक बार जब प्रयोग किया तो देखा कि ये किसी के नहीं है, मानवतावादी हैं, गरीबों के हैं, अंतिम व्यक्ति के हैं। और तब सब लोगों ने वही जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो न किसी धर्म से बंधे हुए थे, राष्ट्रवादी थे, अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते थे, परिभाषा विज्ञान की, राजनीति की जैसी बदल ली हो, गढ़नी हो, लेकिन व्यक्ति वो हो जो अंतिम व्यक्ति के मूल्यों से समझौता ना करे। ये जॉर्ज फर्नांडिस थे। लोकतंत्र वहां सुरक्षित है, विचार वहां सुरक्षित है, साझी संस्कृति वहां सुरक्षित है, राष्ट्रीय समता पार्टी इन्हीं मूल्यों को लेकर, इन्हीं विचारों को लेकर जॉर्ज के सपनों को मंजिल तक ले जाने का कारवां बनाएगा। मंजिल मिले या ना मिले, जुस्तजू जारी है। जय जॉर्ज साहब का निधन हो गया, क्योंकि 40 साल जॉर्ज साहब के साथ काम करने का मौका हमको मिला, जॉर्ज साहब को देखने का मौका हमको मिला। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को सजग रहने की जरूरत है कि हमें एक मजबूत समाज बनाना, और मजबूत समाज से ही मजबूत पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी। लोकतंत्र कैसे सुधार है, जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको ताकत दी थी पार्टी को मजबूत कर। हम रहे या ना रहे, समाजवाद का यह संवाद जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी रहे। अपनी ओर से धन्यवाद है हमारे महान नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी को। ये पैदा कई हुए, मैंगलोर में पैदा हुए, मुंबई को इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया, फिर बिहार में आकर के इन्होंने गरीबों के लिए संघर्ष किया। इतिहास बनाने वाले लोग, इतिहास लिखने वाले लोग जॉर्ज जैसे नेता जो पैदा हुआ, इतिहास बना के गया, इसके ऊपर इतिहास लिखा जाएगा, लोग लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग सीखेंगे। देखिए, हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, हर मंच से, हर सभा से, हर वार्तालाप में, हर विचार में। डॉक्टर अरुण कुमार जी कहीं जॉर्ज के विचारों को लेकर के चलने की बात, धोखा देना बड़ी बात है, लेकिन धोखा खा जाना अच्छी बात है। धोखा खाइए, लेकिन किसी को धोखा दीजिए मत। वो जब पटना आते थे हमारे घर पर रुकते थे, मैं बहुत छोटा था, मैं जानता नहीं था, मुझे पता था कोई बड़े नेता है, मैं जानता नहीं था कौन है, एक बाबा जैसे बड़े आदमी लगते थे, तो मैं डरता था। और अक्सर इत्तेफाक रहा है कि वो तभी आए हैं जब इंडिया का मैच वैच हो रहा है क्रिकेट का, तभी वो आते, मुझे बड़ा गुस्सा क्योंकि आते थे पूरा घर भर जाता था, जहाँ टी वी होता था वही बैठे होते थे, तो बार बार जाके पर्दे के पीछे से झाँकता कि शायद अब उठ के चले गए, वो कमरा खाली हुआ, उसको मैच देखे, तो बार बार मैं झाँकता था, तो उन्होंने बुलाया एक बार, क्या बात है बार बार तुम झाँक रहे हो, कहा इंडिया का मैच, कहते थे पहले बताना चाहिए था इंडिया का मैच है, आओ बैठे, सबको मैंने बाहर भेज दिया, और फिर आराम से मेरे साथ मैच देख रहे थे। और अक्सर यही होता था, जब भी वो आते थे मैं झाँकता था, वो समझ जाते थे यार इंडिया का मैच है, सबको बाहर कर देते थे, बड़े बड़े पार्टी के नेता हुआ करते थे उस समय, जनता दल के सारे बाहर चले जाते थे गुस्से में, और बैठ कर मेरे साथ मैच देखते थे। फिर बड़ा हुआ मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे मैं एक बार उनके पिताजी के साथ गया था अपने स्कूल मैगजीन के लिए हस्ताक्षर, उनका साक्षात्कार मिलने, तो मैं जब पहली बार उनके पास गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने सरल आदमी थे, एक बड़े नेता होते हुए, पार्टी के अध्यक्ष होते हुए, मंत्री होते हुए, देश के रक्षा मंत्री होते हुए, कितने सरल व्यक्तित्व के इंसान थे वो।
सबसे पहले जब उनके घर पे पहुंचा तो उनके घर पे गेट नहीं था, गेट तोड़ा हुआ था। रक्षा मंत्री घर पे गेट नहीं, उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य लगा। कोई सिपाही नहीं, गार्ड नहीं, कोई व्यक्ति नहीं था, उनका गेट खुला हुआ था, गेट ही नहीं था। अंदर थोड़ा घुसा तो एक पुरानी उनकी फिएट कार थी, बाद में पता चला किसी कार से खुद चला के कलर जाते हैं आते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतने बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, गेट नहीं है घर पे, गार्ड नहीं है, कभी कैसे रहते हैं। फिर मैं अंदर गया, बहुत बड़ा कमरा था, दो तीन कमरों को लगता है छोड़ के वो कमरा बनाया गया था, और उसमें चारों तरफ किताबें ही थी। सर वो बैठे हुए थे, अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे, और उसी समय मुझे कुछ चीज़ें जो उनके बारे में पता चली हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लोग कहते थे 10 भाषाओं का ज्ञान, उन्होंने 10 तो नहीं मगर 3-4 भाषाओं में अपने आँख के सामने उनको बड़े धड़ल्ले से बोलते रहते थे। महाराष्ट्र के कुछ लोग तो उनसे मराठी में बात कर रहे थे, कर्नाटक के कुछ लोग तो शायद उनसे तुलू में बात कर रहे थे, तुलू भी कर रहे थे। उसके बाद बिहार के लोग तो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे। सब लोग चले गए तो फिर पिताजी ने कहा कि प्रणाम कीजिए, तो पैर नहीं छुआते थे। तो प्रणाम करने आगे बढ़ा, उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, पैर छुआते ही नहीं थे। वो भी उनका एक व्यक्तित्व का एक आस्पेक्ट था, वो पैर किसी से छुआते थे। लेकिन मैं माँ से भी जाकर बात ये बात मैंने पूछी थी, माँ बताती थी कि जब वो घर पर आते थे तो हाथ जोड़ के भी प्रणाम करते थे, पैर नहीं छुआते थे। अंत तक उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ा, भले लोगों ने उनके साथ जो किया। आइए आज हम अंत में प्रण लें यहाँ पे, जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, बिहार की जनता उनको बिहार से बाहर कर दे, वापस से कभी सत्ता नहीं आ पाए, उनकी पार्टी कभी सत्ता के आसपास नहीं आ पाए। जॉर्ज साहब असली श्रद्धांजलि यही होगी कि जिन लोगों ने जॉर्ज साहब को धोखा दिया, उन्हें परेशान किया, जिनके वजह से उनकी बाद में तबियत भी खराब होती चली गई, उन लोगों को हम आज प्रण लें कि उन लोगों को वापस सत्ता में हम लोग नहीं आने दें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अंज न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लिक करें सब्सक्राइब आइकन और बेल आइकन।